बहुत जब सुविधा है लोगों को, अच्छी तरह से फटाफट काम करके ले रहे हैं और दौड़ाई जा लोगों की भीड़ है। आपला समाज मार्गदर्शक मध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। गोरेगाव मध्ये भारतीय जनता पार्टीचे मुंबई सचिव मोहन गौडा यांच्या वतीने नेत्रचिकित्सा शिबिराचं खूप मोठा आयोजन करण्यात आलं होतं। या कार्यक्रमाला काही नागरिक आहेत, त्यांच्याकडनं आपण माहिती घेऊया। आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम? ये कार्यक्रम मोहन गौड़ा जी ने जो रखा है पब्लिक के लिए बहुत ही सुविधाजनक, और उन्होंने जो रखा है वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी फ्री होने करके देने वाले हैं। बहुत जब सुविधा है लोगों को, अच्छी तरह से फटाफट काम करके ले रहे हैं और दौड़ाई जा लोगों की भीड़ है। कितने लोग आए रहे? अरे 2500-3000 आदमी थे यहाँ पे। डॉक्टर ने कैसे सलाह? डॉक्टर ट्रीटमेंट ने उन लोगों का बहुत ही अच्छा, उनका जो टीम है बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं अपना, फटाफट काम करके पब्लिक से सहयोग करके ले रहे हैं। नेत्र चिकित्सा शिबिराचं आयोजन केलं होतं, कशा प्रकारे लोकांचा प्रतिसाद मिळाला काय माहिती द्या। आम्ही पूर्ण गोरेगाव विधानसभेसाठी नेत्र चिकित्सा शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे। सन्माननीय आशिष शेलारसाहेब मुंबई भाजपचे अध्यक्ष, त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही हे कार्यक्रम आयोजित केले। मी गेले 2-3 वर्ष मोदी साहेबांचे जन्मभूमी वडनगर इथे आम्ही 2-3 वर्ष या कृष्णप्रा कुटुंबीचे घेऊन आम्ही कार्यक्रम केलं। पण अशी माझी अपेक्षा होती गेले 2 वर्षांमध्ये आपण गोरेगावमधील नागरिकांसाठी हा काम कार्यक्रम करूया। आज तो योग आलेला आहे, आम्ही ते संपन्न केलं आणि आजारचे 1500 लोक त्याचा लाभ घेत आहेत। आणि आता हा आमचा एक प्रयोग होता या वर्षी, हा प्रयोग सुंदर झाला आहे आणि पुढच्या वर्षी आम्ही दर वर्षाला 2 वेळा हा कॅम्प घेऊ आणि गोरेगावला अंधमुक्त करण्याचा या प्रयत्न आपण करूया सगळ्यांनी मिळून। गोरेगावकरांसाठी तुम्ही नेहमीच विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करत असता, पुढील तुमची वाटचाल कशी असेल? मोदी साहेबांचा एक विषय आहे की अच्छा स्वास्थ्यकाली हा शिबिर आम्ही घेतो, म्हणजे लोकांना स्वतःच्या आईला बघण्यासाठी पण डोळे सुंदर लागतात, डोळे व्यवस्थित लागतात। मला वाटतं की सर्वात जास्त म्हणजे इम्पॉर्टंट असेल तर डोळे व्यवस्थित असते की माणूस जग बघू शकतो, जगू शकतो, याचा आनंद घेऊ शकतो। तर म्हणून मी असा विचार करतो की बाकी काय शिबिर कॅम्प वगैरे करण्यापेक्षा हा नेत्र चिकित्सा कॅम्प आपण दरवर्षी 2 वेळा घेऊया अशी माझी अपेक्षा आहे। आशिष शेलारजी यांनी कशा प्रकारे प्रतिसाद देत काय म्हणतात? त्यांना खूप सुंदर वाटला, त्यांनी मला रविवार असून सुद्धा लोक 1500 लोक या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिले, त्यांना खूप आनंद वाटला। ते मला म्हणजे आज सकाळी रविवार असून त्यांना बाकीचे कार्यक्रम, आज मुंबईमध्ये छठ पूजेचा कार्यक्रम वगैरे आयोजित झालेले, म्हणजे प्रत्येक समुद्रकिनारी छठ पूजेचा कार्यक्रम चालू आहे, त्याच्यात वेळात वेळ काढून आले आणि या कार्यक्रमात त्यांनी भाग घेतला आणि लोकांचा संवाद साधला आणि खूप आनंदित झाले ते बघून लोकांना। धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि हमारा मित्र जो है मोहन गौड़ा जी, बहुत स्पेशल अंक का कैंप कर रहा है। मैं डॉक्टर कृष्ण प्रसाद हूँ, उड़पी के प्रसाद नेत्रालय के डायरेक्टर और आल्सो द ट्रस्टी ऑफ यशस्विनी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। मेरा साथ में डॉक्टर अनिल शेट्टी जी, he is also from the people's mobile hospital Mumbai. So with the association of all this Bharatiya Janata Party Goregaon in the leadership of Mohan Gowda ji and all this association, hamara ek hi maqsad hai sari idhar ka Goregaon ka niwasiyon ke liye free eye kaam karne ka, uske sath अच्छा स्पेक्टेकल फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का, उसके साथ ही ऑपरेशन भी पीपल्स आई मोबाइल हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी फ्री में करने का, क्योंकि ये कैंप में तो चश्मा भी अच्छा क्वालिटी के चश्मा दे देगा, साथ में ऑपरेशन भी एक एक दिन में 5-5 लोग को पीपल हॉस्पिटल में बुला के खुद ही अनिल शेट्टी डॉक्टर ने करेगा। और क्या लोग को मेडिसिन की आवश्यकता है, आज हम यही कैंप में हम फ्री में देने वाले। तो हम बहुत खुश है कि हम कर्नाटक से हमको इधर तक बुलाया, इसलिए हमारा मित्र मोहन गौड़ा जी जो मुंबई के भाजपा के सचिव है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम अगले दिन में मोहन गौड़ा जी से मिलके बहुत सारी ये तरीके का उचित नेतृत्व शिविर ये एरिया में करने के लिए भी प्लान भी हो रहे हैं। आप लोग हमका साथ दे रहे हैं ना, सब लोग के लिए धन्यवाद, नमस्कार।